तो फिलहाल हो चुका है मैं धनु का हवा गुल, इसलिए हम आए हैं पहले हवा इसमें भरा ले, फिर आगे निकलते हैं। तो हाँ, कोई कमेंट मत करना कि मुझे गाड़ी में हवा भरने नहीं आता है, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार किया है, क्योंकि ये सब काम मैं किसी और से करवा लेती हूँ ना, इसीलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बंजारन। तो मैं हूँ आपकी होस्ट। तो फिलहाल हम लोग हैं साइंस सिटी के पार्किंग एरिया में। देख लो कितना भीड़ है, पता नहीं क्यों लगता है यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है। बाहर बोर्ड भी लगा था, तो मेरी धनो को बड़ा मुश्किल से पार्किंग मिला है। तो इनको पार्क करके अब हम लोग चलते हैं साइंस सिटी के अंदर। ओके, और बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो थोड़ा सा आज मैं अनकम्फर्टेबल भी हो रही हूँ, बट इट्स ओके, चलता है। मेला का नाम है कोलकाता मेगा मेला, जिसका आज लास्ट डे है, तो फ्री एंट्री है। तो चलो साइंस सिटी के साथ मेला भी घूमने को मिलेगा। रोड रोलर अपना काम करते हुए, रास्ता बनाते हुए, देखो चारकोल। चलो पहले हम लोग ले लेते हैं टिकट, उसके बाद जाते हैं अंदर। कुछ खूबसूरत से फूल देख सकते हो, और रेड वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी समय तो कुछ है नहीं। और फ्लावर्स है, पता है यहाँ पे फ्लावर वैली से ज़्यादा फ्लावर्स का कलेक्शन तो यहाँ पे है। हाँ, क्वांटिटी थोड़ा कम है, बट कलेक्शन तो है ना। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कलरफुल। यहाँ पे है सारे इन्फॉर्मेशन एंड प्राइजेस, कि टिकट के प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या आप अलग से ले सकते हो। पे है एक झरना, देख सकते हो आप लोग कैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना। हमें मिल चुकी है एंट्री टिकट, और इसका प्राइस सिर्फ 65 था, और बाकी राइड का आप लोग ले सकते हो। वहाँ पे कॉम्बोज भी है, बट हमें सारा राइड जाना नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिए। ओके, तो चलो आपको फर्स्ट व्यू दिखाते हैं अंदर का। यहाँ पे है हमारी वंदे भारत, जो आने का इंतजार कर रही है हमारे। मैं आपको फिर ये यूनिक सा झरना मिलेगा, साथ में वहाँ पे ऑडिटोरियम है पीछे, और यहाँ पे है रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ से आपको एड्रेस पता चल जाएगा, एड्रेस मतलब डायरेक्शन कहाँ पे आपको जाना है। तो चलो हम लोग पूछताछ काउंटर से पूछ के निकलते हैं। किसी को चोट वोट लग जाए तो इमरजेंसी के लिए यहाँ पे एक फर्स्ट एड सेंटर भी दिया गया। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या 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 मिलेगा। और हम लोगों ने ना सिर्फ टिकट एंट्री वाला लिया था, क्योंकि सोचा कि वहाँ पे जाके ले लेंगे, क्योंकि उतना टाइम है नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि बोलती हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हर जगह ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग देख के जहाँ जाना है जा सकते हो। डोम शेप के पिंजरे हैं, जिसमें कबूतर हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, और साथ में खरगोशवा भी है। पता है खरगोश देखने में बड़ा क्यूट लगता है, बट ये ना बहुत गंदा गंदा पॉटी करते हैं, तो बहुत महकता है इनका। कुछ है हंस, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे कलरफुल माउस है। फिलहाल हम लोग हैं मिसाइल पार्क में, और यहाँ पे हैं APJ अब्दुल कलाम सर जी, और साथ में है एक बहुत बड़ा रॉकेट, जो आई थिंक पृथ्वी नाम है इनका, मतलब इसका। और यहाँ पे कुछ मिसाइल्स भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे है खाने पीने का सौदा, बट अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम खाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में नहीं घूम पाते हैं। एक ओपन जिम, तो यहाँ पे आप लोग जिम भी कर सकते हो, बट यहाँ पे कौन आता है यार जिम करने। अंकल साइकिलिंग कर रहे हैं, बेबी भी कुछ करने जा रहा है, पता नहीं क्या। एक अच्छा खासा पार्क है, देख लो आंटी बैठी हुई है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, उस पर आप लोग चढ़ोगे और कोई आपको टांग सकता है, मतलब ऊपर उठा सकता है। और यहाँ पैकिंग बैलेंसिंग के लिए है, और यहाँ पे एक घंटा है, और साथ ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तैयारी हुई थी यहीं पे। देख लो यार कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो चलो पहले यहाँ पे, तो अभी शो का टाइम में डिले है, तो हम लोग पहले चलते हैं यहाँ पे डायनामिक मोशन में।
तो यहाँ पे सारा चीज़ फ्री है, तो हम लोग जाके कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सोविनियर शॉप है, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो। इन्फिनिटी वॉल, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। देखो हम लोग कितने अंदर तक जा सकते हैं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। यहाँ पे ना इस साइकिल पर अगर आप पैडल मारो ना स्पीड में, तो एक बॉल है ट्यूब के अंदर, तो ऊपर जाती है। बट ना मेरे साथ तो मोई मोई वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि इतना देर से मैंने पैडल मारा और बॉल थोड़ा सा हिला भी नहीं है यार, थोड़ा सा भी नहीं हिला। यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन बिजली कैसे बनता है, और देखो कैसे बिजली आएगा। देखो देखते हैं इसको कैसे हम लोग फ्लोट करेंगे। यहाँ पे अपना पैर रखो और फ्लोट हो जाएगा। हो है एक पेंडुलम, और यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था कैच, क्योंकि इतने लोग हो गए थे ना, सब कोई बॉल को अंदर तक जाने ही नहीं दे रहा था उस होल के अंदर, सब बीच बीच में पकड़ पकड़ के फिर घुमाने लग रहे थे। बहुत सारे बटरफ्लाई जो फिलहाल हमको दिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को दिखे तो बताना। अब हम लोग जा रहे हैं साइंस ऑन द स्पेयर देखने, तो यहाँ पे अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम देख क्या आपके बाहर बताएंगे कैसे। तो इसके टिकट का प्राइस पड़ा 80 रुपीज दो जनों के लिए, तो पर हेड 40। ओके, आप लोग बाहर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इसका, पर ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, बाकी सब अंदर मिलेगा। क्योंकि हमारा थिएटर का टाइम है 4:30, तो हमें फिर से आना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलो ऊपर से देख के आते हैं। ओके, पहले हम लोग ऊपर की तरफ जाके देख लेते हैं, देखो कितने सारे तल्ला हैं, तो वहाँ जाके देखते लोग हैं सेकेंड फ्लोर। और यहाँ से आप लोग कुछ पूरा व्यू देख सकते हो, कितना बड़ा है साइंस सिटी। वहाँ पे ना भूल भुलैया भी है, यहाँ पे लोग फैमिली पिकनिक के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो बच्चे अपने एंजॉय कर रहे हैं। और मैडम कब से डांस कर रही हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स, तो चलो यहाँ पे खड़ा तो रहना है दूर दूर, बट लोग जगह नहीं दे रहे हैं, सो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ और इल्यूजन्स है। एक्वेरियम में
फेंक दिया गया। ये कौन सा बात है, हमें नीचे भी जाना था, फिर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइड में आप लोगों को मिलेगा बहुत सारा फूड स्टॉल, तो आप लोग यहाँ पे खाते रह सकते हो मेरे जैसे अगर भूखा हो तो। वैसे सबको ही तो होता है ना, थोड़ा बहुत भूख तो हो गए हैं 4:30, तो फिर से हम लोग जा रहे हैं अपना शो इन्जॉय करने, क्योंकि उस टाइम तो हमें मिल नहीं पाया था इसलिए। और पता है जब भूखे प्यासे जा रहे हैं एकदम फुल कंसंट्रेशन से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना है। हमारा शो हो चुका है कंप्लीट, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। शो बहुत अच्छा था, 40 रुपये के हिसाब से तो बहुत ठीक ही ठाक था, आधे घंटे का शो था, तो आप लोग आके एंजॉय कर सकते हो। और अब ना हमको ना भूख लगी है, तो चलो पहले पेट पूजा कर लें, क्योंकि कभी से बैठे हुए यार लिटरली बहुत भूख लग गई, सुबह का खाना खाए। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं सेकेंड वाले ऑडिटोरियम में, जहाँ पे हम लोग टाइम मशीन का राइड करेंगे और पहुँच जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, 2024 ना, तो 2100 में चलते हैं। ओके चलो हमारे साथ। साइंस सिटी से आप लोग ITC का भी एक लुक ले सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ पे ये वाला बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है, और जो बीच वाला कनेक्टिंग एरिया है ना, वहाँ पे बार है, कैफे है, बहुत सारे थिंग पता नहीं, फिलहाल तो हम गए नहीं है। तो चलो अभी हम लोगों को जाना है इस वाले बिल्डिंग के अंदर। और यार फिर ठंडा बहुत बढ़ गया है, जाते पक्का बैंड बजेगा मेरी धंधो, मेरा मतलब ना मेरे को मार के ही दम लेगी पक्का है वो। तो यहाँ पे है मोशन स्टिमुलेटर, सो इसका भी आई थिंक टिकट होगा ही। और आप लोग लाइन देख सकते हो कितना लंबा लाइन। तो फिलहाल हम बैठे हैं टाइम मशीन का लाइन में, और लाइन ना सेकेंड फ्लोर तक पहुँच गया है, पता नहीं कब आएगा मेरा टर्न। टाइम मशीन का ये है बाहर से लुक, क्या पता हम अंदर जाके नहीं बना पाए वीडियो। तो देखो कैसे हिलता है, बिल्कुल रोलर कोस्टर के तरह। यहाँ पे दो टाइम मशीन है, तो टाइम मशीन नहीं था, वो था ना वॉल ऑफ चाइना पे हम लोग चढ़ाई कर रहे थे वो ठेला गाड़ी में बैठ के, बट मज़ा बहुत आया। तो आप लोग ज़रूर आना, तो ना ज़रूर जाना, और जिसको उल्टी का प्रॉब्लम हो पक्का खाना वाना खा के मत जाना, ठीक है, नहीं तो आगे वालों का आप काम ख़राब करने वाले हो। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नई जगह नए वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एज यू विश। तो फिलहाल हम काले काले दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।